हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इट्स आर डे 12 और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। आज का जो वर्कआउट है वो होगा एब्स का वर्कआउट जो हमने लास्ट वीक भी किया था। ये एब्स का वर्कआउट काफी इंपॉर्टेंट है। हम राइड करते रहते हैं, कभी कभी हम एब्स और अपर बॉडी पे फोकस नहीं करते। साइकिलिंग में हमारा लोअर बॉडी काफी जोर होता है, अपर बॉडी हमें खुद यूज करवाना पड़ता है बाय यूजिंग द वर्कआउट दैट वी विल डू इन द इवनिंग टूडे। पर आज हमारी एक शॉर्ट्स आई है जिसकी अनबॉक्सिंग करनी है और वो भी काफी मैं एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए, बिकॉज वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बिग शॉर्ट्स है फ्रॉम हाइप। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं कैसी क्वालिटी है इसको यूज करके कल की राइड में। सो अभी मैं फटाफट ब्रेकफास्ट करता हूँ और आपको मिलता हूँ एट द बाइक और एट द लंच टाइम एट द ऑफिस। इन द कैफेटेरिया और मैं अपना ब्लॉग एडिट कर रहा था। लंच मैंने कर लिया। लंच में आज मैं लेके आया था एक सब्जी और साथ में दो रोटी। सब्जी वॉज द आलू मटर और अभी मैंने यहाँ पर एक ड्रिंक ली है लेमनेट। इसमें थोड़ा सा शुगर होगा बट एनीवेज किसी कार्बोनेटेड ड्रिंक या किसी और ड्रिंक से तो अच्छा ही है कि हम ऐसी ड्रिंक ले लें जो नेचुरल है और विटामिन सी भी मिल जाएगा हमें। सो अभी मैं ब्लॉग को एडिट करता हूँ और आपको मिलता हूँ इन द इवनिंग जहाँ पर हम अपनी जो शॉर्ट्स है उसको अनबॉक्स करेंगे एंड साथ साथ हम अपना कोर वर्कआउट करेंगे। कोर वर्कआउट आप इवनिंग में भी कर सकते हो और सुबह भी कर सकते हो। सुबह ज़्यादा प्रेफरेबल होता है बट आज मैं जल्दी उठ नहीं पाया तो शाम कर लेंगे, क्योंकि हम वर्कआउट छोड़ते नहीं, चाहे सुबह करें या शाम को करके रहेंगे। सो आई एम बैक होम। मैंने चेंज कर लिया और जो हमारी आज की वीडियो अपलोड हो चुकी तो मैं वो देख रहा था कि कैसे अपलोड हुई है, सब कुछ ठीक है नहीं। 8:30 सो अभी मैंने चेंज किया था तो उसमें टाइम लग गया, थोड़ा फ्रेश हुआ। मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक ताकि जो आपका स्टमक है वो थोड़ा सा एम्प्टी रहे। मैंने वही जो लास्ट हमारा लंच था उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। मैंने एक वीडियो में पूरे डिटेल में शेयर किया हुआ है तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने कोर वर्कआउट की बात की है, शायद 3 या 4 था वो, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा वर्कआउट, उसके बाद हमारा होगा डिनर। और अब यहाँ पर है डिनर का टाइम। एक्चुअली मुझे अभी शेव भी करना था बट मेरे को इतनी भूख लगी थी कि मैंने कहा जल्दी जल्दी नहाते हैं और अपना शावर करते हैं, डिनर करते हैं। मेरा दिमाग बिल्कुल ही चल नहीं रहा इस टाइम भी, बस काफी भूख लगी हुई है। और यहाँ पर है हमारी हाइप की बिग शॉट, ये मैं खाता हूँ और फिर इसको अनबॉक्स करते हैं क्योंकि तभी मजा आएगा जब पूरी एनर्जी होगी। टॉकिंग अबाउट द अनदर थिंग इज कि कल हम जाएंगे राइड पे, सो कल ये न्यू शॉर्ट्स ही डालते जाएंगे ताकि इसका एक टाइम से रिव्यू हो जाएगा और फर्स्ट इंप्रेशन हो जाएगा कि कल इसको राइड, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बिग शॉर्ट्स हैं फ्रॉम द हाइप ब्रांड। तो मुझे भी देखना है कि जो एक्सपेंसिव चीजें होती हैं किसी भी ब्रांड की, जैसे बीटून की किसी की, तो इनमें क्या कंपेरिजन है। 3500 की आती है और ये वाली अराउंड 2500 की बिग शॉर्ट। और इनकी जो पैकेजिंग है वो हमेशा से टॉप नॉच होती है, काफ़ी अच्छे से पैक करके देते हैं। और यहाँ पर इसका पैकेट कहाँ से, यहाँ से खुलेगा। वेयर योर आइडेंटिटी, कस्टमाइज योर एक्टिव वेयर एट हाइप। और यहाँ पर इनका बिलिंग एड्रेस और ये पैकेज में आती है हमारी जो जर्सी है और बिग शॉर्ट। सो हेयर इज द फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट लुक तो इनकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अब इसका मेन चीज़ देखते हैं वो तो पैर, हर जो बिग शॉट होता है उसका पैर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का ना हो तो बिग शॉट किसी काम के नहीं है। सो हियर इज द पैड ऑफ बिग शॉट जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हमें काफ़ी यहाँ पर एरिया दिया हुआ है जो हमारे जेनिटल्स होते हैं, जो मोस्टली मेल राइडर्स हैं उनको तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ से कोई अभी आवाज़ आ रही थी तो मैं देख रहा था कि किस चीज़ की आवाज़ है, शायद इन्वर्टर के पास कुछ इंसेक्ट है कोई। सो एनीवेज ये हमारा बिग शॉट, इसका जो पैड है वो काफ़ी अच्छा, जैसा कि मैंने कहा अभी। बाकी तो राइड करके पता लगेगा, कल की राइड पे हम चलते हैं और देखते हैं इसका कैसा कंफर्ट आता है। टॉकिंग अबाउट द प्रिंट एंड कलर ऑफ द बिग शॉर्ट्स, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब आप देख सकते हो कि। और इसके यार रेयर में हमें एक रिफ्लेक्टर भी मिल रहा है, मतलब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं सुबह राइड करूँगा कल तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैं राइड स्टार्ट कर रहा हूँ अराउंड 4 या 4:30। सो उस टाइम पे तो वो डार्क होगा तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। बाकी डे टाइम में भी रिफ्लेक्टिव जो हमारी जर्सी है, ये कलरफुल जर्सी है, तो ये दूर से अट्रैक्ट करेगी किसी भी अदर बाइकर को कि कोई राइडर जा रहा है। सो मैं भी ऐसा करता हूँ कि इसको एक बार डाल के देखता हूँ इसके साइज की फिटिंग और आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज हाउ द बिग शॉर्ट्स आर लुकिंग लाइक। इनका जो फिट है वो काफ़ी स्नग फिट है, मतलब आपको ऐसा ना फील नहीं हो कि आपने कुछ भी क्लोथिंग की हुई है। काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है और जो पैड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पोजीशन पे आ जाता है जहाँ पर आपने राइड करना हो तो यूजफुल रहेगा। सो दिस इज द जर्सी फ्रॉम अपेस और अभी इसके साथ मैंने ये डाली बिकॉज ये सबसे आई थिंक सबसे मेरा स्मॉलेस्ट साइज है जर्सी का आज तक का। अगर उसके साथ भी कंफर्टेबल लग रही है देन इट इज द बेस्ट बाय एवर, बिकॉज ये वाली जर्सी के साथ मोस्टली कोई भी जो बिग शॉट है वो कंफर्टेबल नहीं लगती। जो बिग शॉट होती है उनके साथ हमें ये जो स्ट्रैप होता है ये वाले,
स्ट्रैप अगर यहाँ पर पेन दे तो वो भी कभी मुश्किल देते, बट ये बिल्कुल पेन नहीं दे रहे। इनका फिट एकदम बिल्कुल परफेक्ट है मेरे को लगा। और टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेचेबिलिटी, मतलब स्ट्रेच काफी इजी हो रहा है, ऑलमोस्ट परफेक्ट लगा मुझे। मैं बाकी राइड करके से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस दे पाऊंगा, बिकॉज अभी तो मैंने इसको राइड किया नहीं डाल के। कल सुबह राइड पे जाऊंगा इसको डाल के, तो काफी एक्साइटेड हूँ। इसको राइड करेंगे अराउंड, हम 40 किलोमीटर की राइड होगी कल सुबह। थोड़ा सा वीकेंड है तो थोड़ी लॉन्ग राइड कर लेंगे। आप भी वीकेंड पे लॉन्ग राइड कर सकते हो। आप राइड लॉस कर रहे हो तो लॉन्ग राइड आपका बेस्ट पार्टनर हो सकता है, वो सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा। सो आई गेस दिस वॉज फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू देन प्लीज गिव द थम्स अप एंड सब्सक्राइब चैनल इफ यू आर न्यू हियर। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय।